डिस्क्लेमर, शिवचंगा का मालिक डज नॉट सपोर्ट एनिमल क्रुएल्टी और इलीगल एनिमल ट्रेड्स इन एनी वे। नो फिश और एनिमल वर हार्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। तो कैसे हो मेरे सारे फिजलाबाज भाइयों, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो पे मैं मॉस्किटो लार्वा पकड़ने जाऊँगा, जो मॉस्किटो लार्वा आप लोग देख सकते हो। तो ये सब मॉस्किटो लार्वा को ही आज मैं मछलियों को खाने के लिए दूंगा, क्योंकि फिलहाल हमारे यहाँ पे डाफनिया मिल नहीं रहा है। उसका क्या रीज़न है वो भी आप लोगों को आगे बताऊँगा, और ये मॉस्किटो लार्वा कितना फीडिंग करवाना चाहिए वो भी बताऊँगा। और ये वाला कप भी फिलहाल सेलिंग के लिए है, वो आगे आप लोगों को दिखाऊँगा डिटेल में। मॉस्किटो लार्वा के बारे में जो बोल रहा था भाई, ज़्यादा मत खिलाना इसको, क्वांटिटी आप लोगों को वीडियो में आगे डिटेल में दिखा दूंगा, वो देख के खिलाना, वरना मॉस्किटो लार्वा ज़्यादा खिलाओगे तो मछली मर जाएगा। बाकी जो यूरोटॉक्सेरो मैंने छोटा साइज का लाया था वो क्या साइज़ आया है वो भी दिखाऊंगा। और ये वाला गप्पी एक बार देखो मेरे भाई, इसके बारे में तो वीडियो में आगे मेनली डिटेल में बात करेंगे ही। और रेड टॉक्सेरो गप्पी ने भी बहुत सारा बच्चा दिया है, वो रेड टॉक्सेरो गप्पी का बच्चों को भी दिखाऊंगा। चिली मोज़ेक बिग यार और चिली मोज़ेक डम्बो यार दोनों ने ही बच्चा दे के पूरा भर दिया है मेरे सब टैंक को। और ये सब मछलियों को मैं फिलहाल अभी डाफनिया मॉस्किटो लार्वा ट्यूबफ्लेक्स वाम ये सब खिला रहा हूँ, और ये जो सब खिला रहा हूँ इसको साफ करके खिला रहा हूँ। देखो साफ करने का तरीका भी वीडियो में आगे दिखा दूंगा, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखते रहो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, 100 लाइक का टारगेट है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो मेरे भाई, क्योंकि इस तरीके का जो यूनिक यूनिक वीडियो है जिससे कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जो सब सेलर हो वो तो भाई बहुत कुछ सीख जाओगे। तो चलो भाई वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। तो इसको बहुत दिनों के बाद आप लोग वीडियो में देख रहे हो, क्योंकि ये अपने घर चला गया है, क्योंकि ये अपने मामा के घर पे पहले रहता था, अभी वो अपने घर चला गया है। बीच बीच में कभी कभी आता है, और इसका फ़ोन यहाँ पे बाल्टी में मैं रख देता हूँ। मतलब जब भी हम लोग डाफनिया कुछ भी पकड़ने के लिए आते हैं ये वाले तालाब पर, ये बाल्टी घर का जो यहाँ का जो घर है उनका है, तो वहाँ पर रखा हुआ होता है। हम लोग गाना वाना चला के बाल्टी के अंदर रख देते हैं, पूरा माइक जैसा एक साउंड आता है, तो हम लोग गाना सुनते सुनते डाफनिया पकड़ते हैं। फिलहाल ये वाले तालाब पे डाफनिया नहीं हो रहा है, मॉस्किटो लार्वा हो रहा है। अब डाफनिया ना होने का रीज़न दोस्तों क्या है पता है? ज्वार आ गया है। ज्वार मतलब डैम से पानी छोड़ने को बांग्ला में ज्वार बोला जाता है। तो ज्वार होने के कारण हमारे यहाँ पर बहुत सारी जगह में पानी बढ़ गया है, और जो पानी बढ़ गया है उसके कारण जो डाफनिया है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। तो फिलहाल मॉस्किटो लार्वा हो रहा है, हम लोग उसी को खिला देंगे। मॉस्किटो लार्वा कितना हो रहा था आप लोगों को मैंने तो दिखा दिया। और मॉस्किटो लार्वा जो मैं खिला रहा हूँ भाई, बहुत सारे लोग बोलोगे क्या भाई मच्छर का तादाद बढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरे भाई, मैं मच्छरों का तादाद घटा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, मैं लोगों को सेवा कर रहा हूँ एक तरीके से। क्योंकि ये सब जो मॉस्किटो का लार्वा मैं खिला रहा हूँ, अगर मैं नहीं खिलाता तो वो तो मच्छर बन के उड़ जाता है ना, वो जो मैं खिला दूंगा वो झमेला ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि मैं मॉस्किटो लार्वा कल्चर करता हूँ तो भी मैं मॉस्किटो का तादाद बढ़ा रहा हूँ, एक्चुअल में उस टाइम पे भी मैं मॉस्किटो का तादाद कम कर रहा हूँ, क्योंकि जो मॉस्किटो का फीमेल मेरे ब्रीडिंग का जो मॉस्किटो लार्वा कल्चर का टैंक है उसमें आके अंडा दे रहा है, वो कहीं और पे अगर अंडा देता तो वो बच्चा उड़ के मॉस्किटो बन जाता। तो इसीलिए मैं कल्चर कर लेता हूँ, खिला देता हूँ, तो एक मॉस्किटो का जो पूरा बैच है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जो सब लोग बोलते हैं उन लोगों को पूरा हार्ड एंड फास्ट रिप्लाई मैंने दे दिया। फिलहाल दोस्तों हम लोग मॉस्किटो लार्वा को साफ़ कर लिया है, धोना किस तरीके से वो तो आप लोग आगे थोड़ा सा दिखा दूंगा, वीडियो के स्टार्टिंग पे भी दिखाया था, अभी मैं खिला देता हूँ, ठीक है। तो खाना क्या क्वांटिटी देखो, मॉस्किटो लार्वा क्वांटिटी की अगर बात करें तो एक एक मछली के लिए मैं अभी 10-15 के आसपास दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि बहुत ज़्यादा है, मगर ये मॉस्किटो लार्वा का साइज़ भी छोटा है। मैं मछली को ना ऐसा देता हूँ कि पेट भर जाए बस ऐसा, ठीक है। आप लोग क्वांटिटी कम ज़्यादा करके दे सकते हो, हाँ मैं बोलूँगा अगर आप लोग पहली बार खिला रहे हो तो थोड़ा सा कम खिलाओ, सेकेंड डे ज़्यादा खिला सकते हो। मॉस्किटो लार्वा खिला रहे हो तो 2 दिन लगातार खिलाओ, लास्ट में एक दिन गैप दे के फिर 2 दिन खिलाओ, ठीक है। क्योंकि मॉस्किटो लार्वा में बहुत ज़्यादा फैट होता है, अगर ज़्यादा खिलाओगे ना तो मछली में चर्बी जो फैट है वो हो जाएगा, बच्चा नहीं देगा, या फिर बच्चा देगा तो बहुत कम बच्चा देगा। बेटा फिश को अगर बहुत ज़्यादा मॉस्किटो लार्वा खिलाओगे ना तो वो मेल को ड्रॉपसी हो सकता है, अगर मेल बेटा को ज़्यादा खिलाओगे तो ड्रॉपसी हो जाएगा, फीमेल बेटा को ज़्यादा खिलाओगे तो फीमेल बेटा का एक जो है वो ख़राब हो जाएगा। और ये वाला जो मछली मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये वाला मछली मैंने आप लोगों को अनबॉक्सिंग वीडियो दिखा दिया है ब्लॉग चैनल पे, वो एक नया वेराइटी का गप्पी है जो कि मैंने मंगवाया है।
बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो मेरा पर्सनल फेवरेट गप्पी है। अगर सेलिंग के लिए अच्छा रहेगा तो मैं सेल करूँगा, वरना वो मैं खुद पालने के लिए लेके आया हूँ। देखते हैं भाई ब्रीड अच्छे से होता है या नहीं। बाकी यहाँ पे प्लैटिनम डम्बो का नया लाइन वाला गप्पी है जो कि मैंने ख़रीदा था, और यहाँ पर तो भाई आप लोग देख ही सकते हो चिली मोजाइक बिग ईयर का है। चिली मोजाइक बिग ईयर है, ठीक है, डम्बो ईयर नहीं। डम्बो ईयर आप लोगों को आगे दिखाऊँगा। डम्बो ईयर का जो साइड का फिन है वो बहुत बड़ा होता है, बिग ईयर का छोटा होता है। और ये रेटल प्लैटिनम डम्बो ईयर का अभी छोटा साइज़ में है। बहुत सारे लोग बोलोगे कि डम्बो ईयर का क्वालिटी ख़राब है, तो उन लोगों को मैं बता भी दे रहा हूँ, 3 महीना भी हुआ नहीं है वो सब मछली का एज, तो 3 महीने के उम्र में उन लोगों का कितना बड़ा डम्बो आ गया आप लोगों ने तो देख ही लिया। और यहाँ पे जो ये गप्पे आप लोगों ने देखा वो मेरा 24 कैरेट के साथ क्रॉस थे, रेड ड्रैगन के साथ क्रॉस था। यहाँ पे जो गप्पे देख रहे हो यहाँ पर चिली मोजाइक डम्बो ईयर का फ्राई है 2 महीने का। यहाँ पर सांता क्लॉस गप्पी है, सांता क्लॉस का मेल है, और कुछ व्हाइट पिंगू है। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट पिंगू, यहाँ पे व्हाइट पिंगू का मेल है, सांता क्लॉस गप्पी का मेल है। इन दोनों का फीमेल को आगे दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो भी गप्पीज देख रहे हो सब सेलिंग के लिए अवेलेबल है, सबका प्राइस सेम है, 150 रुपये पेयर, 150 रुपीज़ पर पेयर। कोई भी गप्पी अगर आप लोग 10 पेयर लोगे तो 100 रुपये करके पेयर आ जाएगा, मैंने बोला था। चलो भाई 100 रुपये करके दे दूंगा, ठीक है, 10 पेयर 1000 रुपये में। और 1000 रुपये पे मेरा एक और ऑफर चलता है, इसमें से सब वैरायटी का एक एक पेयर करके मैं 10 पेयर आप लोगों को दूंगा, जिसका प्राइस 1000 रुपये आएगा, डिलीवरी चार्ज अलग से लगेगा। तो वो वाला गप्पी का पैकेज किसी को अगर लेना है तो ये वाला जो कोड दिखा रहा हूँ ये मेरे को व्हाट्सअप में लिखो, ठीक है। व्हाट्सअप का नंबर तो वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो वो नंबर पे ये वाला जो कोड दिखा रहा हूँ ये लिखो, तो ये कोड सर्च करके आप लोगों का मैं ऑर्डर ले लूँगा। बाय द वे रिप्लाई देने में बहुत लेट हो सकता है, उसके लिए पहले ही मैं माफ़ी चाह लेता हूँ, ठीक है। बाकी गप्पी का तो पूरा पैकेज मैंने बता दिया है, एंड 4 kg का कुरियर चार्ज लगेगा, ठीक है। 20 मछली जाएगा, 20 मछली के साथ कुछ गिफ्ट भी जा सकता है, प्लस डाफनिया कल्चर लाइफ प्लांट वो सब तो जाता ही है, आलमंड लीफ। तो 4 kg का बॉक्स बन जाएगा, 4 kg का डिलीवरी चार्ज लगेगा, और 1000 रुपये का मछली, 100 रुपये करके पेयर। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ आपका ब्लैक कलर का जो लाइटल का पीता वो है, और यहाँ पर कुछ आपका जो है क्या बोलते रेड मेटल लेस स्नेक स्किन वो है, और यहाँ पर है असली माल खजाना। ये एक्चुअली दोस्तों प्लैटिनम ग्रीन गप्पी है जिसका टेल नियॉन ब्लू कलर में है, ठीक है। तो इसका नाम क्या बोले भाई बताओ, जो सेलर ने मेरे को दिया है वो सेलर ने बोला कि मैं क्रॉस ब्रीडिंग करवा के इसको निकाला हूँ। वो सेलर ने निकाला था करीब करीब 2016 का टाइम पे, ठीक है। ये गप्पी 2016 से वो सेलर सेल कर रहा है, वो सेलर का खुद का लाइन है। ये गप्पी मैंने बहुत सारी जगह पर देखा भी है जिसका कलर इतना ज़्यादा चमक नहीं हो रहा है। मैंने वो गप्पी को देखा था करीब करीब 80 रुपये 100 रुपये या फिर 50 रुपये के अंदर भी लोग मेल को सेल कर रहे थे, एक एक फीमेल मेरे को कभी दिखा नहीं था। तो अभी जब मैं वो सेलर के पास गया जहाँ से मेन माल खजाना जा रहा है उनके पास, देखा अलग ही लेवल का कलर है। तो मेरे को जो भी एक बैच रेडी था वो मैंने उठा लिया है। तो ये बैच में से मैं कुछ खुद के ब्रीडिंग के लिए रखने वाला हूँ, और खुद कुछ मैं आप लोगों को सेल करूँगा। क्वालिटी एक बार देख लो मेरे भाई, पूरा प्लैटिनम ग्रीन कलर का है। तो ये गप्पी का नाम क्या दे बताओ भाई, एक्चुअली ये गप्पी क्रॉस ब्रीडिंग का है पहले ही बोल दे रहा हूँ, और लाइन पूरा स्टेबल है, मतलब ये गप्पी का जो बच्चा निकलेगा सेम बच्चा निकलेगा, ना ही दूसरा कलर का निकलेगा, पूरा सेम टू सेम निकलेगा। इस गप्पी का नाम हम लोग कुछ अलग से देंगे, उसके बाद उसी नाम से ये गप्पी को सेल करेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है भाई, क्या नाम देना चाहिए, कमेंट करो। पहली बार आप लोगों को मैं एक मौका दे रहा हूँ, आप लोगों का जो नाम आप लोग लिखोगे वो नाम पे जाके आप लोग लाइक भी करना, ठीक है। आप लोग अगर कोई नाम नहीं लिख रहे हो तो कमेंट सेक्शन पे जाके जो सब लोग नाम लिखे हो उन लोगों का नाम पे लाइक करो, जिसका कमेंट पे ज़्यादा लाइक आएगा उसी का नाम को मैं वो गप्पी का नाम दूंगा, देन उसी को उसी नाम से सेल करूंगा। तो आप लोगों को एक मौका मिल रहा है गप्पी का नामकरण करने में। तो चलो भाई देखते हैं आखिर क्या नाम दिया जाता है। मेरे को जो लगता है कि प्लैटिनम ग्रीन नियॉन ब्लू कुछ अजीब सा लग रहा है भाई, ब्लूटेल प्लैटिनम ग्रीन, ब्लूटेल प्लैटिनम ग्रीन ऐसा कुछ नाम देते हैं भाई। चलो देखते हैं भाई, आप लोग कुछ कमेंट करो, देखता हूँ किसका नाम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। कोई फैंसी वैंसी नाम मत देना भाई, बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है। नॉर्मल सा गप्पी है, 100 रुपये 150 रुपये का पेयर है, उसी तरीके से आप लोग नाम लिखना, ठीक है। हाँ वो गप्पी का पेयर का प्राइस वही सेम है, 1-2 पेयर लोगे तो 150 रुपये करके, 10 पेयर एक साथ लोगे तो 100 रुपये में। फीमेल आप लोगों को वीडियो में आगे दिखा दूंगा, फीमेल का टेल जो है वो ब्लू कलर में ही है, बॉडी जो है वो थोड़ा सा ग्रीनिश शेड आएगा। तो फिलहाल आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ मेरा जो चिली मोजाइक गप्पी बच्चा दिया है, ये देखो। और ये जो मैंने अभी बीच में टोकरी रखा है ना सॉरी मेरे भाई,
गला अभी भी थोड़ा सा खांसी है भाई, ठंड मेरे को हमेशा लगता है। तो बीच में मैंने जो टोकरी दिया है भाई, वो टोकरी मैंने थाईलैंड का कुछ वीडियो देखा था, वहाँ पे मैंने देखा थाईलैंड का बीडर लोग यही सेम करता है। बीडिंग केज के बाहर मछली रख देता है, एक टोकरी को बीडिंग केज के जैसे अंदर रख देता है, उसी के अंदर जो भी बच्चा होता है वो सब छुप जाता है। तो मैंने सेम चीज़ करने की कोशिश किया है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। तो अब लोगों को मैं जब बच्चा उठाऊंगा उसका भी वीडियो दिखाऊंगा, और वही वीडियो पे स्टार्टिंग पे मैंने ये टोकरी वगैरह किस तरीके से दिया है थर्मोकोल वालों का लगा के, वो पूरा इन डिटेल बता दूंगा, ठीक है। टोकरी किस तरीके का लेना है, छेद कैसा होना चाहिए, नीचे का छेद कितना होना चाहिए, दोनों का छेद में डिफरेंस होना चाहिए, वरना बच्चा एक साइड से अंदर जाएगा दूसरा साइड से बाहर निकल जाएगा। तो इन डिटेल उसके ऊपर मैं एक वीडियो मतलब बना लिया हूँ, उसको बस इस तरीके से वॉइस देके एडिटिंग करके डालना बाकी है। तो वो वाला वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रखो। जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो, कमेंट सेक्शन पे क्या लिखोगे, टोकरी, बहुत दिनों के बाद कुछ कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन पे जाके आप लोग टोकरी लिख दो, ताकि मेरे को पता चले आप लोग वीडियो को एंड तक देख रहे थे। अभी फिलहाल ये देखो, इसमें ये वाले टोकरी में भी कितना सारा बच्चा है, मतलब इसके अंदर भी बच्चा है, टोकरी के अंदर बाहर भी थोड़ा बहुत बच्चा है। ये देखो इसके अंदर भी बच्चा भरा पड़ा है। मैंने ये जो टोकरी दिया है वो कल दिया था, उसके बाद जो भी बच्चा दिया है ये देखो पूरा भरा हुआ है बच्चा। मैं जस्ट एक नेट लूँगा, नेट से उस सब बच्चों को उठा लूँगा। तो इसीलिए ना मैं सब लोगों का वीडियो देखता हूँ, खास करके जो सब लोग थाईलैंड का वीडियो बनाता है उन लोगों का तो वीडियो देखता ही हूँ। बाकी जो सब लोग इंडिया में बांग्लादेश में फार्मिंग रिलेटेड वीडियो बनाता है सब लोगों का वीडियो देखता हूँ, छोटे से छोटा हो बड़े से बड़ा हो, क्योंकि हमेशा किसी ना किसी जगह से कुछ ना कुछ आइडिया मिलता ही रहता है। तो फिलहाल कुछ और मस्कुटर पड़ा हुआ है, जिसको मैं 24 कैरेट गोल्ड कप्पी को खिला दूंगा। थोड़ा सा क्वालिटी आप लोग चेक कर लो 24 कैरेट गोल्ड कप्पी का क्या आया है। माफ़ करना भाई, हमेशा खांसी हो रहा है थोड़ा बहुत। वो देखो उधर छुपा हुआ है। तो ये मैं क्या लाया था और क्या हो गया एक बार देखो। इसने बहुत सारा बच्चा भी दिया है ऑलरेडी, मेरे को 40 मतलब 40 पीस के आसपास बच्चा मिल गया है। और मेल देखो भाई, क्या ही कलरेशन आया है, एकदम 24 कैरेट गोल्ड, तो गोल्ड एकदम गोल्ड जैसा ही कलरेशन आया है। और यहाँ पे कुछ फीमेल से ब्लू मस्को का और ब्लू मस्को के साथ लजुली ब्लू का, ब्लू मस्को और लजुली ब्लू दोनों का फीमेल अगर एक साथ रखूँगा तो क्रॉस होने का चांस नहीं है, क्योंकि दोनों ही फीमेल है, वो तो ब्लीड नहीं करेगा, है ना। और यहाँ पे है हम लोगों का सबसे चहिता मछली, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेरे को दिया है। यह है इलेक्ट्रिक ब्लू मस्को, मेरा वाला लाइन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको जो पर्पल बेरी ड्रैगन गप्पी होता है उसके साथ क्रॉस ब्रीडिंग करवा के निकाला हुआ है। उससे पहले जो सेलर से मैंने मंगवाया था वो सेलर ने भी सेम चीज़ किया था। उसके बाद मैंने लाइन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए और लाइन को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए और एक बार क्रॉस करवाया, तो उससे हुआ क्या ना, ये सब गप्पी के सर के ऊपर ब्लू कलर का एक कैप आ गया है। जो लोग मेरा रेगुलर वीडियोस देखते हैं उन लोगों को मैंने दिखाया भी अच्छे से, और अभी आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखोगे वीडियो को तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मछली तो ब्लैक कलर में है, ब्लूइश एक शेड है टेल में और पूरा बॉडी में ब्लूइश ब्लू का एक शेड है, और एकदम सर पे ब्लू कलर का एक कैप है। जो अल्बाइनो कोई गप्पी होता है ना उसके जैसा ब्लू कलर का एक कैप है, अल्बाइनो कोई में रेड होता है, इसमें ब्लू कलर का एक कैप है। और फिलहाल यहाँ पे अल्बाइनो फुल रेड का बच्चा है, बच्चा नहीं बोल सकती इसको ही मैं सेल कर रहा हूँ, मतलब सेमी एडल्ट भी नहीं है ये, बच्चा दे रहा है, एडल्ट हो गया पूरा। तो जो भी लोग मेरे से अल्बाइनो फुल रेड ऑर्डर करोगे इसी साइज़ का जाएगा। इसका प्राइस भी सेम है दोस्तों, 150 रुपये का एक दो प्यार है, अगर लोगे तो 150 करके, अगर 5 प्यार एक साथ ले लोगे, 10 प्यार एक साथ ले लोगे तो 100 रुपये करके, सॉरी 10 प्यार लेना पड़ेगा, ठीक है, 5 प्यार नहीं, 5 प्यार लोगे तो शायद से 120 कर सकता हूँ, 10 प्यार में लोगे तो 100 करके प्यार। और फिलहाल यहाँ पर अल्बाइनो फुल रेड का ब्रूडर है, और मैं अभी गले में दर्द बहुत ज़्यादा है और फिर भी वॉइस दे रहा हूँ, माफ़ कर देना भाई, बार बार खांसी हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को इरिटेटिंग लग सकता है। तो ये जो अल्बाइनो फुल रेड आप लोग देख रहे हो, ये अल्बाइनो फुल रेड का ब्रूडर ने फाइनली जाके मेरे को प्रोडक्शन देना अच्छा खासा स्टार्ट किया है, और गर्मी का मौसम आ गया है तो प्रोडक्शन और भी होगा। तो अल्बाइनो फुल रेड का प्राइस मैं और भी कम करने वाला हूँ, जिन लोगों को और भी कम में चाहिए अभी मत खरीदो, अभी प्राइस अगर ज़्यादा लगता है तो बाद में खरीद लेना, और प्राइस ज़्यादा लगना भी नहीं चाहिए मेरे भाई, क्योंकि मार्केट में ढूंढोगे ना तो मैं जो सब गप्पी आप लोगों को 150 रुपीज़ पीआर में दे रहा हूँ, 250 के नीचे कोई नहीं दे सकता। और जो वो सब पीआर अगर 10 पीआर लोगे तो मैं तो 100 रुपये करके दे रहा हूँ ना, तो 100 रुपये में भाई ये सब गप्पी का पीआर कोई नहीं दे सकता, मेरा घर का है तो इसीलिए मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे भी अल्बाइनो फुल रेड का कुछ फ्राई है, फ्राई मतलब वही सेम है भाई, फ्राई नहीं बोल सकती इसको, ये भी मतलब सेलिंग के लिए रेडी हो गया है कुछ,
और यहाँ पर भी कुछ एल्बिनो फुल रेड है, मतलब एल्बिनो फुल रेड पे मैं ज़्यादा अभी फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि वो मछली को अगर मैं ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेता हूँ तो शायद से पहला मैं बनूँगा बंदा जो एल्बिनो फुल रेड को होलसेल में सेल करूँगा। नॉर्मली एल्बिनो फुल रेड ना किसी के पास होलसेल क्वांटिटी में सेलिंग का होता नहीं है। और यहाँ पर कुछ बेटा फिशेस है, बेटा फिश का मेल फीमेल एक साथ है। यहाँ पर कुछ गप्पी है, गप्पी को मैंने क्रॉस करवाया था, ये सब क्रॉस ब्रीडिंग का है जिसको मैंने 24 कैरेट के साथ ब्लू मस्को का क्रॉस करवाया है, मगर ये पूरा फेलियर रहा है। क्रॉस ब्रीडिंग का यही होता है भाई, कभी आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाओगे कभी फेल हो जाओगे। तो वो सब गप्पी मैं सेल नहीं करूँगा जो क्रॉस ब्रीडिंग का दिखाया। कोई अगर घर में आते हो तो शायद से मैं ऐसे ही फ्री में दे दूँगा, मगर हाँ आप लोग फ्री का माल समझ के उसका कदर मत करोगे, ऐसा मत करना, उसको भी अच्छे से रखना, ठीक है। तो चलो भाई वीडियो में पूरा हो गया, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।